गायनेकोमेस्टिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मेल चेस्ट इनलार्जमेंट होता है। दैट मींस मेल मेल ब्रेस्ट या मेल चेस्ट का पैटर्न एक फ्लैट पैटर्न होता है जो नॉर्मल एनाटॉमी है, लेकिन कभी कभी ड्यू टू सम अननोन रीजन और समटाइम्स ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस और समटाइम्स ड्यू टू ओवर मेडिकेशन ऑफ सम नोन मेडिसिन, मेल चेस्ट डेवलपमेंट ओवर द चेस्ट, ये एक फेनोमेना है जिसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। एज सच ये कोई डिजीज नहीं है, इसको एक बीमारी की तरह लेबल नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन डेफिनेटली है और इसमें जो सोशल एम्बेरसमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है गायनेकोमेस्टिया का। लोगों को पब्लिक के सामने एक्सपोज होने में, कपड़े निकालने में, नहाने में, स्विमिंग पूल में, बाहर फील्ड्स में, प्लेग्राउंड में, इसमें काफी एक ह्यूमिलिएशन महसूस होती है और कई बार तो ये साइकेट्रिक कंडीशन तक पहुंच जाता है। कई बार साइकेट्रिस्ट की मदद लेने की भी जरूरत पड़ती है, मतलब इतना ज्यादा उनका सोशल और जो एक अपना जो मेंटल साइकी चेंज आता है उसको कह सकते हैं। गायनेकोमेस्टिया जैसा पहले बताया कि कोई डिजीज नहीं है, तो मतलब इसका ट्रीटमेंट भी कोई बहुत मुश्किल ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। यूजुअली गायनेकोमेस्टिया 1 से लेके ग्रेड 3 तक का हो सकता है। फर्स्ट ग्रेड ऑफ गायनेकोमेस्टिया में ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, एक एश्योरेंस की हाँ दिस इज नॉट ए डिजीज कंडीशन एंड यू आर परफेक्टली ऑल राइट, अगर ये पेशेंट समझ पाते हैं तो शायद उनको किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ऑब्वियसली सेकेंड और थर्ड ग्रेड ऑफ गायनेकोमेस्टिया में ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और मेनी टाइम्स इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इफेक्टिव है, बिकॉज कोई मेडिसिन ऐसा नोन मेडिसिन है नहीं गायनेकोमेस्टिया के लिए। कभी कभी जो हार्मोनल इम्बैलेंस जिनमें है या गोनेडल एजेनेसिस या सेक्स हार्मोन्स की डिफिशियंसी है, तो उसमें सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट फॉर दो सब्सटेंसेस जो भी डिफिसिट है वो किया जा सकता है। अदरवाइज सर्जरी बहुत इफेक्टिव, सेफ और काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड सर्जरी होती है। डे केयर सर्जरी होती है, पेशेंट को एडमिट होने की जरूरत नहीं होती है और वो फिर सेम डे ही पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं। जो ब्रिस्ट ग्लैंड है वो एक डिफिनेट आइडेंटिटी का एक सब्सटेंस है जो आपके स्किन के नीचे और चेस्ट वॉल के ऊपर है, जिसको बहुत मिनिमल छोटे से इंसीजन से एरियोला के जंक्शन पे, निपल एरियोला का जो जंक्शन है उससे उसको एक्साइज करके बाहर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसमें कोई भी सर्जिकल मार्क्स या कोई स्टिग्मा स्टिच मार्क्स वो नहीं दिखता है। प्रॉपर कंटूरिंग के लिए साथ में लेपोसक्शन भी की जाती है, कई बार लेजर लेपोसक्शन करते हैं ताकि स्किन टोनिंग, जो एक स्किन लैक्सिटी डेवलप कर चुकी रहती है उस बड़े मास के कारण, तो वो भी उसको करेक्ट होके एक फ्लैट चेस्ट अपीयरेंस मिलता है विदाउट एनी स्कार। यूजुअली गायनेकोमेस्टिया एडोलेसेंट एज में प्रेजेंट करता है, मतलब तकरीबन 16-17 इयर्स के बाद ही ये विजिबल होता है। कई बार प्यूबर्टी के टाइम पे माइल्ड स्मॉल डेवलपमेंट ऑफ चेस्ट चेस्ट ग्लैंड, ये एक नॉर्मल फेनोमेना है जो कि एक हार्मोनल अपसर्ज के कारण एट दैट एज पे वो प्रेजेंट करता है, लेकिन ये इटसेल्फ रिग्रेस कर जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन कभी कभी ये जो हार्मोनल चेंजेस है जिसके कारण ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है और फिर ये कंटिन्यू रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। गायनेकोमेस्टिया 3 ग्रेड में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेड 1, 2 एंड 3। ये एक एजम्पशन ऑफ मास इनलार्जमेंट उस पर डिपेंड करता है, अगर 250 ग्राम से कम है सब्सटेंस फैटी टिश्यू तो उसको ग्रेड 1 गायनेकोमेस्टिया, 250 to 500 ग्राम्स अगर है तो ग्रेड 2 गायनेकोमेस्टिया, और मोर देन 500 ग्राम्स है तो उसको ग्रेड 3 गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। इसमें जो सर्जरी की जाती है वो कॉस्मेटिक, प्योरली कॉस्मेटिक सर्जरी है, कोई इन्वेसिव मेजर इन्वेसिव सर्जरी नहीं है। विथ माइल्ड सिडेशन एंड लोकल एनेस्थीसिया में ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का इसमें टाइम लगता है सर्जरी में, और ये डे केयर सर्जरी होती है। दैट मीन्स कि पेशेंट को ओवरनाइट स्टे की जरूरत नहीं है हॉस्पिटल में, वो मॉर्निंग में सर्जरी के बाद आफ्टरनून में डिस्चार्ज हो जाते हैं। पेशेंट अपना डे टू डे एक्टिविटी है वो फ्रॉम द सेम डे ऑफ सर्जरी इवनिंग से कर सकते हैं, हाउस होल्ड एक्टिविटीज कर सकते हैं, पर्सनल केयर खुद से कर सकते हैं, किसी असिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है। और जो बाकी आउटडोर एक्टिविटीज है वो आफ्टर 1 वीक दे कैन रिज्यूम, बाइक राइड है या फिर ऐसे, तो इस तरह की चीज़ें वो 15 डेज के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, और 1.5 मंथ 6 वीक्स के बाद ऑल टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज जिसमें कि ओवरहेड स्ट्रेचिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज के एक्सरसाइजेज हैं
वो भी कर सकते हैं।